हेलो दोस्तों, क्या आपको भी YouTube की तरफ से फर्स्ट पेमेंट आने वाली है? Google AdSense ने 22 तारीख को आपके पास मेल कर दिया है कि भाई चेक योर रिसेंट पेमेंट। बहुत ज्यादा दिन हो गए आपके खाते में जो है वो आपका पैसा नहीं आया है, या फिर आपकी जो है वो मेल आने वाली है, आपकी जो फर्स्ट पेमेंट जो है वो अभी आने वाली है। तो आपको क्या क्या करना है ताकि आपका बैंक जो है वो आपकी पेमेंट को ज्यादा दिन होल्ड ना कर सके। आपकी फर्स्ट पेमेंट में बैंक बड़ा ज्यादा दिन ले लेता है और इसकी वजह से जो आपकी काफी दिक्कतों का जो है वो सामना भी करना पड़ता है। दोस्तों, मैं आज आपको तीन चीजें बताऊंगा। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी पेमेंट जो है वो 2 या 3 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में पहुंच जाएगी। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको ये चीज बता रहा हूं। दोस्तों, जब भी 22 तारीख को आपके पास इस तरह की मेल आती है कि चेक योर रिसेंट पेमेंट, आप तो उसमें लिखा भी होता है कि 5 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपकी पेमेंट जो है वो आ जाएगी। अगर नहीं आती है तो आपने होम ब्रांच में जाके पता करना है। उस 5 दिनों के अंदर अंदर जो होता ही है कि जो आपकी स्विफ्ट कोड की ब्रांच होती है, जो आपकी होम ब्रांच में कॉल करती है, और उसी जो होम ब्रांच होती है वो आपको कॉल करना होता है और आपसे जो है वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसे फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, उसको भरवाना होता है। उसके बिना पेमेंट आपकी रिलीज नहीं होगी। जब भी फर्स्ट पेमेंट आने वाली होती है, बैंक को पता नहीं होता और वो आपको जो है वैसे ही घुमाता रहता है कि पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि वो आपके जो है वो मेन खाते को चेक करता है। मेन खाते में तो पैसा आना नहीं होता है, क्योंकि ये जो आपके स्विफ्ट कोड की मेन जो ब्रांच होती है वहां पे आना होता है और वहां पे होल्ड होता है। जब तक आपका फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरा जाता, आपकी पेमेंट कभी भी रिलीज नहीं होगी। तो सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसी मेल आती है तो आपने 3 या 4 दिन का जो है वेट करना है। उसके बाद अपनी होम ब्रांच में जाना है, उनको एक ही बात बोलनी है कि भाई देखो, मेरी यूट्यूब की पेमेंट आनी है जो कि आपके स्विफ्ट कोड की मेन ब्रांच में आएगी। तो वहां से कोई ऐसी मेल तो नहीं आई है कि फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए कोई मेल तो नहीं आई, केवाईसी कोई के लिए कोई मेल तो नहीं आई, ठीक है? अगर वो बोलते हैं कि नहीं, ऐसी कोई मेल नहीं आई है, तो उनके साथ सीधा अपनी यही बात बोलनी है कि भाई मेरे को जो अपने जो आपकी स्विफ्ट कोड की मेन ब्रांच है उसका नंबर दे दीजिए। वहां पे आपने जो है फिर आपने कॉल करनी है और आपने एक ही बात बोलनी है कि मेरे को जो है वो गूगल एडसेंस की तरफ से पेमेंट आनी है, और आप जो है वो अपनी होम ब्रांच से संपर्क करिए जो जहां पे आपका खाता है, और मेरा फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो ले लीजिए और मेरे पेमेंट को जो है वो रिलीज कर दीजिए। जबकि आपकी फर्स्ट पेमेंट वाले होने वाली होती है तो जो स्विफ्ट कोड की ब्रांच है वो जो है आपकी मेन ब्रांच में जो है संपर्क करेगी, और जो आपकी होम ब्रांच जो है वो आपसे संपर्क करती है ताकि आपका जो है डिक्लेरेशन फॉर्म ले सके। पर बैंक के मैनेजर को क्या पड़ी है कि किसी की पेमेंट है, होल्ड है तो होल्ड है, पड़ी है तो पड़ी है, तो आपको ही जो है वो करना होगा। या फिर आपके आपको वहां स्विफ्ट कोड की मेन ब्रांच से कोई मेल आई भी नहीं है तो आपने अपना फेमा डिक्लेरेशन फॉर्म भर के उनको दे देना है और उनको ये बोलना है कि भाई मेरी पेमेंट आने वाली है, तो आप जो है वहां पे जो है वो ये वाला फॉर्म जो है वो भेज दीजिए जो आपकी स्विफ्ट कोड की ब्रांच है। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप ये करते हैं तो आपकी पेमेंट 2 या 3 दिन के अंदर ही आपके बैंक खाते में जो है वो पहुंच जाएगी और बैंक जो है वो डिले नहीं करता दोस्तों, क्योंकि पहली पेमेंट में बैंक जो है वो कम से कम जो है वो 15, 20, 25 दिन भी ले लेता है। पर जो मैंने आपको बात बोली, अगर वो आप करते हैं तो आपकी पेमेंट जो है वो 2 या 3 दिन के अंदर ही जो है आपके खाते में आ जाती है। तो दोस्तों, अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे और आपकी मेरी जो वीडियो की वजह से आपको कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को जो है वो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब